नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शीलीट फैमिली शो में आपका स्वागत है। शीलीट फैमिली शो में एक बार फिर हाजिर है हम एक नई शख्सियत के साथ। आज जो हमारे साथ मौजूद है, ये तरु सक्सेना। तरु के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही यंग लेकिन टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। उनकी कई पेंटिंग एग्जीबिशंस भी लग चुकी हैं, ना कि सिर्फ जयपुर में बल्कि देश के विभिन्न शहरों में अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा चुकी है। तो खास मुलाकात करेंगे तरु के साथ। तरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। थैंक यू। पेंटिंग की आपकी जर्नी की जो शुरुआत हुई है, काफी सारी एग्जीबिशन आप लगा चुकी हैं, जयपुर में भी लगाई है आपने, बाहर भी लगाई है, लेकिन जो आपकी जर्नी थी, ये इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरह से? मेरी ये जर्नी, वैसे तो बचपन से ही पेंटिंग का शौक है। जैसे स्कूलिंग में थे तो क्राफ्टिंग हुई, पेंटिंग्स हुई, उसमें हम रहते थे। फिर कॉलेजेस में आए तो ग्राफिक्स में ज्यादा है, जैसे लोगो डिजाइन, ब्रोशर डिजाइनिंग, उसमें मैं निकली। फिर मेरी बेटी हुई, उसके बाद तो पेंटिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ और मैंने अपनी पेंटिंग गोपाल भारती जो सर हैं उनसे सीखी है। और मैं जो बनाती हूँ रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाती हूँ, ऑयल में काम करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ, तंजोर बनाती हूँ और बाकी एग्जीबिशन तो काफ़ी सारी लगाई हैं जी। तो जैसे आपने बोला कि गोपाल भारती जी से आपने शुरुआत सी, कितना समय हो गया आपको सीखते हुए पेंटिंग? आपने ये भी बोला कि ग्राफिक्स से आपका स्टार्ट होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, रुझान कैसे चेंज हो गया, ग्राफिक्स से पेंटिंग की तरफ कैसे चला? ग्राफिक्स में मैं अपना काम करती थी, डिजाइनिंग का था, पूरा कंप्यूटर बेस्ड था, लेकिन पेंटिंग्स का पैशन तो शुरू से था। लेकिन एक होता है ना कि नहीं सीखना है और अच्छा करना है, लेकिन बेटी होने के बाद बिल्कुल ही चेंज की, उसको शौकिया ज़्यादा काम करना लगी और अब कंटिन्यू उसमें करीब 7 ईयर्स हो गए उसमें काम करते करते, इतनी एग्जीबिशंस लगा दी, नया नया सीखने को मिला है। जो विजिटर्स आते हैं देखते हैं पेंटिंग्स और मुझे कहते हैं कि नहीं अच्छा बन रहा है। अब जैसे लेटेस्ट मैं बर्ड से बना रही हूँ। तो सीरीज भी आप बनाते हैं, तो फर्स्ट सीरीज आपको याद है किस तरह की और किस तरह की पेंटिंग की आपने बनाई? पहले मैंने राधा किशन जी बनाए थे जो सबने अप्रिशिएट किया, उसके बाद 7 हॉर्सेस बनाए, फिर एब्स्ट्रैक्ट में भी बनाया, पैन आर्ट भी किया और अब इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में मैंने एग्जीबिशन लगाई थी रविंद्र मंच पे। उसके बाद से बर्ड्स में ज्यादा वो रह गया। अब मुंबई करके आई थी एग्जीबिशन ताज में, तो बर्ड्स पे ही काम कर रही हूँ मैं। ताज में आपने जैसे बताया, ताज में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा बॉम्बे के अंदर? अच्छा रहा, स्पंदन के साथ काम किया था, स्पंदन जो हमारा एग्जीबिशन क्रिएटर थे अनंत सर, उनके साथ काम किया, अच्छा लगा, सीखने को मिला। विजिटर्स के व्यू मोटिवेट ही करते हैं कि आप अच्छा बना रहे हैं। मिनिएचर जो काम है मैंने ऑयल में किया, बर्ड्स के अंदर जो फेदर्स वगैरह बनाते हैं, तो अब बस ये कि सीरीज आगे भी मैं काम करूंगी तो बर्ड्स में ही करूंगी। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप कई तरह की शैली में पेंटिंग करती हैं। हाँ, उनके बारे में बताइए किस किस तरह की पेंटिंग आपने, तंजौर का आपने नाम ले लिया, मिनिएचर आपने मुझे बता दिया जी। जैसे तंजौर है वो गोल्ड वर्क होता है, एम्बॉस करके और मतलब गोल्ड वर्क लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में नाइफ का यूज कर सकते हैं आप और ऑयल एंड कैनवास पे होता है सारा काम। मिनिएचर का मतलब ये है कि सिर्फ मैंने जो बर्ड्स हैं उसमें ही किया, क्योंकि बारीक बारीक बनाना होता है, ऑयल में किया मिनिएचर बर्ड्स के अंदर। तंजौर शैली की जो पेंटिंग है वो काफी महंगी होती है, कॉस्टली तो होती है, ऐसे ज्वेलर्स वगैरह लेना पसंद करते हैं या कोई कस्टमर है। मैंने बना रही हूँ मैं भी राधा किशन जी की, वो तंजोर में ही बना रही हूँ। तो आपके पेंटिंग सेल आउट भी करती है या अपने खाली एग्जीबिशन के लिए, अपने शौक के लिए बनाते हैं? नहीं, अभी सेलिंग का इतना नहीं है, लेकिन अभी शौकिया है, वैसे सेलिंग प्रोफेशनली अब काम कर रही हूँ मैं इसके अंदर। तो आपने कोई अपनी वेबसाइट वगैरह भी बनाई? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उससे करने का कोशिश करते हैं कि नहीं? अभी ऐसा कोई साइट वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन हाँ फेसबुक पे सारे जो आर्टिस्ट हैं या कोई विजिटर्स हैं वो ऐड हैं, तो वो देखते हैं वर्क मेरा, जिनको पसंद आता है वो मुझसे बात भी करते हैं फोन पे कि हमें वही पेंटिंग चाहिए। पहली एग्जीबिशन आपकी कितना समय हो गया लगा हुए, कब लगाई थी और किस कोई थीम बेस्ड थी या किस तरह की थी, उसके बारे में मुझे मैं जानना चाहूंगा। मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन मैं जब कॉलेज में एमए किया था तब मैंने लगाई थी, वो कॉलेज के थ्रू ही थी, जवा कला केंद्र में लगी थी। उसमें ऐसा थीम नहीं था, जो आपको पसंद आया वो ही बना लिया। हाँ, जैसे गणेश जी बना लिए या मॉडर्न आर्ट बना लिया, कपल की बना ली, ऐसे। मॉडर्न आर्ट की आपने बात की, तो क्या आप उस तरह की पेंटिंग्स भी बनाते हैं? मॉडर्न आर्ट में यानी कपल्स का ही बनाया था, ऐसा स्पेशल मॉडर्न आर्ट में वर्क नहीं कर रही, क्योंकि रियलिस्टिक की पेंटिंग ऑयल में ही वर्क करना पसंद है। क्या आप मॉडर्न आर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्या मान के चलते हैं कि आप रियलिस्टिक पेंटिंग में काम करते हैं, तंजौर शैली में आप पेंटिंग बना रही है? आजकल लोग मॉडर्न आर्ट की तरफ का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा है। मॉडर्न आर्ट का क्रेज है, एग्जीबिशन में कई आते हैं जो मॉडर्न आर्ट को ही पसंद करते हैं, लेकिन मेरा अब यह है कि बिल्कुल चेंज, ऑयल में ही काम करना है। एब्स्ट्रैक्ट भी करती हूँ, एक्रेलिक में भी काम करती हूँ, लेकिन ज्यादा मुझे अब बर्ड्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। एक्रेलिक में काम कर रहे हैं, वाटर में भी आपने से मुझे बताया, ज्यादा पसंद किस तरह का है? ऑयली है जी।
कुछ खास वजह इसकी? नहीं, वो स्मूथ चलते हैं और अच्छा है, उसमें काम करना अच्छा लगता है। एक्रेलिक तो जो अपने कैंप वगैरह होते हैं या कोई वर्कशॉप होती है वहीं मैंने यूज़ किए हैं। पेंटिंग जितनी भी मैंने बनाई, ज़्यादातर मैंने ऑयल में ही बनाई है। तो जयपुर में जैसे पेंटिंग एग्जीबिशन आपकी लगती रहती है, कला मेला में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो जयपुर का जो रुझान है कला के प्रति किस तरह का आप मान के चलते हैं? नहीं, जयपुर में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं और ज़्यादातर जवाकला केंद्र में एग्जीबिशन लगी, मैंने राजकोट में भी लगाई जी कला चर्चा के साथ, और मुंबई में भी लगाई रिसेंटली। तो मुझे भी ये लगा कि नहीं, काम करना है मुझे भी, अब सीखना है भी। और मैं बनाती हूँ पेंटिंग, लेकिन मेरा भी रहता है कि किसी और पेंटिंग को देखती हूँ तो मेरे को भी एक मोटिवेट मिलता है कि नहीं यार, ऐसे बना सकते हैं। सीरियसली कब लेना है आपने शुरू किया पेंटिंग? आपको शौक था लेकिन कब आपको ये लगे कि मुझे करियर ही भी इसी फील्ड में बनाना है? ये रियलाइजेशन जो था वो कब हुआ आपको? मेरी डॉटर होने के बाद, जी हाँ, 14 से। तो ये मान के चल सकते हैं कि डॉटर की वजह से कुछ इंस्पिरेशन मिली है आपको? हाँ बिल्कुल, डॉटर की वजह से भी मिली और इतने सर्कमटेंस हुए कि नहीं, मुझे कुछ करना है, उसी के लिए करना है बस। परिवार की मैं बात करूँ तो परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों में? आपके पेरेंट्स की बात करूँ? मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एग्जीबिशंस के लिए अगर मुझे जाना होता है तो मेरी डॉटर का पूरा केयर, उसका ध्यान, मेरा ध्यान वो ही रखते हैं और कभी मना नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट ही किया। जैसे गोपाल सर के भी अगर जाना है तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे कहा कि नहीं जाओ, और मैं वहाँ सीख रही हूँ। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे थोड़ी सी और बातचीत करूँगी। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी तरु से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। तरु, जब फ्री टाइम कभी मिलता है वो किस तरह से आप स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्या करते हैं तब? फ्री टाइम जब मिलता है, जब मैं पेंटिंग्स में बिजी नहीं होती हूँ, तो मेरी बेटी के साथ मैं आउटिंग पे होती हूँ या घर में सबके साथ होती हूँ बस। और हॉबीज, बाकी इंटरेस्ट वगैरह क्या है आपका? पेंटिंग आपका करियर बन चुका है? पेंटिंग तो करियर बन चुका है, लेकिन हॉबीज का यही है कि डिजाइनिंग ही करनी है, फ्री टाइम होता है तो वही काम करती हूँ, या मेरी बेटी को भी पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है तो उसको सिखाती हूँ मैं। आपको लगता है आपको आपकी बेटी बड़ी होकर आपकी तरह आर्टिस्ट बन सकती है? शायद, लेकिन उसको इंटरेस्ट है लेकिन इतना नहीं कि वो आर्टिस्ट बनेगी, अभी शौकिया करती है कि मम्मा मुझे ये सिखा दो, ये बना दो ऐसे। पेरेंट्स का, जैसे आपने मुझे बताया कि पेरेंट्स की तरफ से आपको काफी सपोर्ट मिला है, तो आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा था कि आप इस तरह, क्योंकि पेरेंट्स का जनरली होता है ना कि बेटे अगर कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाए या इस तरह का रहता है, तो उनकी तरफ से उन्होंने सोचा था कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे या इस तरह का कुछ करेंगे? नहीं, मेरे पेरेंट्स का ये नहीं था कि भाई मैं इतना आर्टिस्ट में निकल जाऊंगी। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में करने के बाद फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी कॉलेज से ही थी, उसके बाद तो कंटिन्यू मेरी एग्जीबिशन होती ही गई, तो उनको भी बताया कि नहीं वो कर सकती है, तो बस चल रही है। अभी तो एग्जीबिशन स्टार्ट है, बहुत आगे जाना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलिट फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं तरु सक्सेना से। तो तरु, जैसे आपने बताया पेंटिंग की एग्जीबिशन आपकी काफी लगी है, कहाँ कहाँ आप एग्जीबिशन अभी तक लगा चुके हैं? जैसे जवाकला केंद्र में लगाई, इंटरनेशनल आर्ट में लगाई, HSS फेयर में लगाया, कला चर्चा के साथ इन्फ्यूजन में किया, और अभी मुंबई में लगा के ही ताज में, और इधर तक आर्टिस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन हाँ। फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया हाँ। इस टाइप से पेंटिंग्स अप्रिसिएशन भी मिलता है कला को, जैसे मुझे अप्रिसिएशन अवार्ड्स वगैरह मिले काफी सारे, जैसे जयपुर कल्चर सोसाइटी ने मुझे पेंटिंग्स के लिए दिया, एजुकेशन फेस्टिवल में जो हुआ था उसमें सीनियर आर्टिस्ट का मुझे अवार्ड दिया, HSS फेयर में भी मिला, और एक अंबालिका राज है उन्होंने शक्ति प्रोटेक्शंस का है, उन्होंने मुझे जयपुर रतन का नवाजा कि भाई आर्टिस्ट के हिसाब से पेंटिंग्स बनाती हूँ हाँ। इसलिए आप सिंगल पेरेंट, आपके बच्चों एक बेटी भी है आपकी, एज ए सिंगल पेरेंट आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, एग्जीबिशन के लिए जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बाहर भी जाना पड़ा गया है, तो बच्ची की देखभाल करना उस वक्त वो सब चीज़ आपने कैसे मैनेज की? मैनेज अपना आप ही हो गई, मतलब एक होता है ना सपोर्ट है मुझे कि आपको ये करना है, एग्जीबिशंस में जाना है, तो मेरा बच्चा अपने आप ही प्रिपेयर है कि नहीं मम्मा को एग्जीबिशन के लिए जाना है। चाहे मैं राजकोट गई, उस समय छोटी थी, नहीं मम्मा आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई गई, नहीं मम्मा आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो एक वो रहता है कि नहीं मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है अपना उन चीज़ों को समझ रहा है। मुझे बहुत रेयर होता है कि उसको समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, उसके साथ टाइम होता है, उसका होमवर्क होता है, उसके साथ घूमने जाना है, उसके लिए ये लेकर आना है, तो अब बस करना है, उसी के लिए करना है सब कुछ। कितने साल की आपकी बेटी? अब 6 ईयर की हो जाएगी दिसंबर में। 6 साल की बेटी आपकी, इसका मतलब बहुत ज्यादा समझदार है।
पेरेंट्स आपके, उनसे किस तरह का आपको सपोर्ट मिलता है? कभी ऐसा होता है कि आप बाहर गई हैं तो बच्चे को संभालना या करना? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरी मदर या मेरे फादर नहीं संभाल सकते। मुझे आराम से इवेंट्स में, चाहे जयपुर में हो चाहे बाहर में गई एग्जीबिशन के लिए, तो उन लोगों ने ही इसको रखा, स्कूल लेकर जाना है, छोड़ना है, उसकी केयर करनी है, सारा मेरे पेरेंट्स ने ही किया। सिंगल मदर होना आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग आप मान के चल रही हैं अपने लिए अभी? चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी डॉटर बड़ी हो रही है तो काफ़ी सारी क्वेरीज मुझसे करती है कि मम्मा ऐसा नहीं, मम्मा वैसा नहीं, तो मुझे भी उन बातों को फेस करना पड़ता है कि उसके लिए ही सब कुछ करना है, मेरी लाइफ लाइन है वो, उसके लिए ही मतलब आगे करना है, पैशन है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली आर्टिस्ट में मैं आ रही हूँ, ग्राफिक्स की थी तो ग्राफिक्स में भी अभी भी कंटिन्यू मेरा चल रहा है, ग्राफिक भी साइड बाय साइड, बस ये कि उसके लिए करना है और कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है उनके बारे में बताएं। मेरे फादर हैं, मदर है, मेरी दो सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स आपकी छोटी हैं बड़ी हैं? दोनों छोटी हैं मुझसे। वो लोग क्या करते हैं, उनमें भी किसी में है पेंटिंग की तरफ? नहीं, हम लोग का पेंटिंग्स में नहीं है। मेरे से छोटी वाली है, उसने बीटेक एमबीए किया है, वो दिल्ली में जॉब कर रही है। सबसे छोटी है, वो सब एमबीए कर रही है। तो आपकी एजुकेशन वगैरह क्या हुई, कुछ आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक तो गोपाल जी से आपने सीखा, उसके अलावा भी कोई कहीं से कोई डिग्री कोर्स या कुछ इस तरह का? जैसे कमर्शियल आर्ट किया है पॉलिटेक्निक जयपुर से ही, 3 साल का कोर्स था, उसके बाद एमए ड्राइंग से किया, एमए सोशियोलॉजी में किया, और बाकी मैं सर से सीख रही हूँ जी। आपकी जो शिक्षा है अभी तक? हाँ, चल रही है, और पीएचडी स्टार्ट है मेरी। अच्छा, पीएचडी भी आप कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है? और आपको फ्यूचर प्लान यही है कि अच्छी जॉब करनी है और बेटा बेटे का ध्यान रखना है बस, और पेंटिंग्स करनी है। बातों से लग रहा है कि आप कई तरह की शैली में पेंटिंग करती है। हाँ, उनके बारे में बताइए किस किस तरह की पेंटिंग आपने, तंजौर का आपने नाम ले लिया, मिनिएचर आपने मुझे बता दिया जी। जैसे तंजौर है वो गोल्ड वर्क होता है, एम्बॉस करके ऑयल मतलब गोल्ड वर्क लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में नाइफ का यूज कर सकते हैं आप, और ऑयल एंड कैनवास पे होता है सारा काम। मिनिएचर का मतलब ये है कि सिर्फ मैंने जो बर्ड्स हैं उसमें ही किया, क्योंकि बारीक बारीक बनाना होता है, ऑयल में किया मिनिएचर बर्ड्स के अंदर। तंजौर शैली की जो पेंटिंग है वो काफी महंगी होती है, कॉस्टली तो होती है, ऐसे ज्वेलर्स वगैरह लेना पसंद करते हैं या कोई कस्टमर है। मैंने बना रही हूँ मैं भी राधा किशन जी की, वो तंजौर में ही बना रही हूँ। तो आपका पेंटिंग सेल आउट भी करती है या अपने खाली एग्जीबिशंस के लिए, अपने शौक के लिए बनाते हैं? नहीं, अभी सेलिंग का इतना नहीं है, लेकिन अभी शौकिया है, वैसे सेलिंग प्रोफेशनली अब काम कर रही हूँ मैं इसके अंदर। तो आपने कोई अपनी वेबसाइट वगैरह भी बनाई? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उससे करने का कोशिश करते हैं कि? नहीं, अभी ऐसा कोई साइट वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन हाँ फेसबुक पे सारे जो आर्टिस्ट हैं या कोई विजिटर्स हैं वो ऐड हैं, तो वो देखते हैं वर्क मेरा, जिनको पसंद आता है वो मुझसे बात भी करते हैं फोन पे कि हमें वही पेंटिंग चाहिए। पहली एग्जीबिशन आपकी कितना समय हो गया लगा हुए, कब लगाई थी और किस कोई थीम बेस्ड थी या किस तरह की थी, उसके बारे में मुझे मैं जानना चाहूंगा। मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन मैं जब कॉलेज में एमए किया था तब मैंने लगाई थी, वो कॉलेज के थ्रू ही थी, जवाहर कला केंद्र में लगी थी। उसमें ऐसा थीम नहीं था, जो आपको पसंद आया वो ही बना लिया। हाँ, जैसे गणेश जी बना लिए या मॉडर्न आर्ट बना लिया, कपल की बना ली, ऐसे। मॉडर्न आर्ट की आपने बात की तो क्या उस तरह की पेंटिंग्स भी बनाता है? मॉडर्न आर्ट में यानी कपल्स का ही बनाया था, ऐसा स्पेशल मॉडर्न आर्ट में वर्क नहीं कर रही, क्योंकि रियलिस्टिक की पेंटिंग ऑयल में ही वर्क करना पसंद है। तरु जब फ्री टाइम कभी मिलता है वो किस तरह से आप स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्या करते हैं तब? फ्री टाइम जब मिलता है, जब मैं पेंटिंग्स में बिजी नहीं होती हूँ, तो मेरी बेटी के साथ मैं आउटिंग पे होती हूँ या घर में सबके साथ होती हूँ बस। और हॉबीज बाकी इंटरेस्ट वगैरह क्या है आपका? पेंटिंग आपका करियर बन चुका है? पेंटिंग तो करियर बन चुका है, लेकिन हॉबीज का यही है कि डिजाइनिंग ही करनी है, फ्री टाइम होता है तो वही काम करती हूँ, या मेरी बेटी को भी पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है, तो उसको सिखाती हूँ मैं। आपको लगता है आपको आपकी बेटी बड़ी हो के आपकी तरह आर्टिस्ट बन सकती है? शायद, लेकिन उसको इंटरेस्ट है, लेकिन इतना नहीं कि वो आर्टिस्ट बनेगी, अभी शौकिया करती है कि मम्मा मुझे ये सिखा दो, ये बना दो, ऐसे। पेरेंट्स का, जैसे आपने मुझे बताया कि पेरेंट्स की तरफ से आपको काफी सपोर्ट मिला है, तो आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा था कि आप इस तरह क्योंकि पेरेंट्स का जनरली होता है ना कि बेटे अगर कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाए या इस तरह का रहता है, तो उनकी तरफ से उन्होंने सोचा था कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे या इस तरह का कुछ करेंगे?
नहीं, मेरे पेरेंट्स का ये नहीं था कि भाई मैं इतना आर्टिस्ट में निकल जाऊंगी। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में करने के बाद फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी कॉलेज से ही थी, उसके बाद तो कंटिन्यू मेरी एग्जीबिशंस होती ही गई, तो उनको भी पता है कि नहीं वो कर सकती है, तो बस चल रही है। अभी तो एग्जीबिशन स्टार्ट है, बहुत आगे जाना है। तरु, इन दिनों पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि जयपुर में काफी एग्जीबिशंस वगैरह लगने लगी हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है कुछ प्रोत्साहित किया जा रहा है कला को या क्या? गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोशिश कर रही है, काफ़ी जो है सीनियर आर्टिस्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपनी, हम ये बात करें कि साहित्य ललित ललित कला एकेडमी की तरफ से भी आप लोगों को कोई कलाकारों को प्रोत्साहन वगैरह दिया जाता है कुछ? जैसे स्टेट्स अवार्ड्स वगैरह होते हैं, ललित कला एकेडमी में एग्जीबिशंस लगती हैं, वो एक अप्रिशिएट ही करता है आर्टिस्टों को कि नहीं आप वहाँ पे भी एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। जैसे जवाहर कला केंद्र में तो लगती ही हैं, हाँ आजकल ललित कला में भी स्टार्ट है। जी। जी, और जयपुर राइट से अगर मैं बात करूँ तो जयपुर के लोगों में कितना रुझान है पेंटिंग्स को लेकर के? काफ़ी है, मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जयपुर में। अकॉर्डिंग राजस्थान में बहुत होंगे, लेकिन जयपुर में भी रंगमलार हुआ या कोई भी इवेंट होता है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो हमें भी एक सीखने को मिलता है। हमसे जो सीनियर हैं उनसे हम भी सीखते हैं। अगर मैं जयपुर में या राजस्थान में महिला आर्टिस्ट की बात करूं तो उनके बारे में बताइए, क्या है इंटरेस्ट है महिलाओं में? काफी महिलाएं हैं या कभी नहीं, आप काफ़ी महसूस सारी करती हैं? महिलाएं हैं जो आर्टिस्ट हैं। अगर बॉयज आर्टिस्ट हैं तो फीमेल भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। जी, किसी से इंस्पायर हैं आप? ऐसा इंस्पायर नहीं, लेकिन हाँ सबका काम अच्छा लगता है। पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है कि भाई जिसे हम इंस्पायर हैं, मैं तो सर से इंस्पायर हूँ। गोपाल सर का ही है सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे लाइफ में गोपाल सर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी किया है। जी तरु, मैं चाह रही थी आपके पेरेंट्स में से किसी से हम बातचीत करें, जी तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि आपके बचपन की जो यादें हैं, मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो शीलिट फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी तरु से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलिट फैमिली शो, हम बात कर रहे हैं तरु से। अभी यहाँ पर हमारे साथ तरु की बड़ी प्यारी सी बेटी और उनके फादर भी मौजूद है, तो मैं दोनों से बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी, हमारे पास में बेटी बैठी हुई है, इनकी इनसे बात करते हैं सबसे पहले। तो मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? माई नेम इज मानसी सक्सेना। मानसी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एंड माई रीड क्लास फर्स्ट एफ। माई स्कूल नेम इज मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए? यस अच्छा, आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती है? यस आती है, तो अब आप मुझे मम्मी के बारे में हिंदी में बताना, ठीक है? मम्मी आप डांटती हैं या प्यार करती हैं? डांटती भी हैं या नहीं डांटती है? कभी कुछ होता है, आप शैतानी करते हो? वैसे नो शैतानी नहीं करते बिल्कुल भी, अच्छे बच्चों की तरह रहते हो। यस अच्छा ओके, मम्मी पेंटिंग बनाती हैं आपकी, है ना? पेंटिंग करती है, एग्जीबिशन लगती है, आपको भी पसंद है पेंटिंग करना मम्मी की तरह? यस आप करते हो पेंटिंग? आपको बड़े होके क्या बनना है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना है मम्मी की तरह? हाँ अब मैं मम्मी से पूछूंगी, आप मानसी शैतानी करती है या नहीं करती, पूछ लो। अब मम्मी सच बता देंगे, तुमने बताया नहीं कि तुम तो बोल रहे हो मैं शैतानी नहीं करते, मम्मी डांटती भी नहीं। मम्मी डांटती है या नहीं डांटती है, सिर्फ प्यार ही करती है? मम्मी थोड़ा थोड़ा डांटती है। थोड़ा थोड़ा डांटती है, तो क्यों डांटती है? क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी घर पे शैतानी करता हूँ। तुम थोड़ी थोड़ी घर पे शैतानी करते हो, इसलिए मम्मी थोड़ी थोड़ी तुम्हें डांटती है। अच्छा मम्मी से प्रॉमिस करो कि मम्मा मैं आइंदा से कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा, अच्छे बच्चे की तरह रहूंगा। ओके प्रॉमिस से। प्रॉमिस। ओके थैंक यू मानसी। अब आपके यहाँ पे नाना भी बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। चलो ठीक है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ तरु के फादर भी बैठे हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा सा और तरु के बारे में, उनके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पे। आपका नाम, मैं परिचय सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी। माय नेम इज सुशील सक्सेना, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सेक्रेटरी जी सैन्य कल्याण विभाग। जी सर, तरु ने ग्राफिक डिजाइनिंग में का कोर्स वगैरह किया, एजुकेशन की सारी हुई, तब आपको ये लगा था कि ये पेंटिंग की तरफ इनका रुझान होगा, ये इस तरह की जो एग्जीबिशन इनकी लग रही है लगातार इस लेवल पे पहुंचेंगी,
तारू ने जब ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया था उसके बाद ही इनका ये था कि मैं एक बड़े स्केल पर आर्टिस्ट बनूं। हाँ जी। और डेली अपने ड्राइंग में एमए करने के बाद फर्स्ट डिवीजन एमए किया जी। और ड्राइंग में इनकी रुचि रही है, काफी पेंटिंग वगैरह बनाई है, बॉम्बे भी गई है, गुजरात भी गई है, जेके में भी डिस्प्ले हुई है इनकी, रविंद्र मंच में भी हुई है, जहाँ जहाँ रंगोली का प्रोग्राम होता है इनको इन्वाइट किया जाता है, रंगोली भी सेलिब्रेट करती है जी। तो अंकल क्योंकि सिंगल मदर है, ये बच्चे की भी देखभाल भी करना है, एग्जीबिशंस भी लगानी है, इनको बाहर भी जाना होता है, आपको लगता है बीइंग अ मदर ये दोनों चीजें सारी जो इनकी जिम्मेदारियां पूरी तरह से कर पा रही है? नहीं, ये जा सकती हैं, मतलब पेंटिंग के लिए बाहर भी, ये तो हमारे से काफी हिलू ही है घर। हाँ जी। तो नानी के और नानू के बड़ी प्यारी बिटियां हैं ये भी। तरु के बचपन के बारे में मुझे बताइए, इनका बचपन किस तरह का रहा, किस तरह की शैतानियां करती भी थी या बिल्कुल शुरू से ही काफी सिंपल और सीधी नहीं है जी। पढ़ाई में इंटरेस्ट है इनका और काफी मतलब पेंटिंग में रही है रुचि इनकी। जी जी जी। तो बोलते हैं ना कि बच्चों की जो लड़की की जो बेटी की बॉन्डिंग फादर के साथ ज्यादा होती है, आपके घर में भी ऐसा ही है या मामा के साथ भी? नहीं, दोनों का संग, ये अपनी मम्मी के संग भी और शुरू से लाडली रही है, मतलब काफी लाड प्यार में रही है। और दो सिस्टर हो रहे हैं अभी। हाँ जी। मेरी दो बेटियां हैं जी, एक इंजीनियर है दिल्ली के अंदर, दूसरी एमबीए कर रही है। हाँ जी। IIIM से। जी 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 जी। तो दोनों तेज हैं, मतलब ये बिल्कुल शुरू से सीधी बन में रही है। अच्छा जी। तेज स्वभाव नहीं रहा, बिल्कुल शांत प्रिय रही है। कभी कोई ऐसा आपको याद है बचपन की ऐसी मेमोरी या कुछ भी, कभी कोई शिकायत का मौका तरु ने आपको दिया किसी भी तरह? नहीं, कभी भी किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं दिया। तरु आप मुझे बताइए अपने फादर के बारे में, आप दोनों की, आप लोगों की बॉन्डिंग? सही कह रहे हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ये कहना पड़े। पापा को पता होता है कि नहीं ये कर रही है, सही कर रही है। कभी गाइड करना होता है, फादर ने गाइड किया। अब मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे फादर मदर ही डॉटर को संभालते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पापा ज्यादा मतलब वो है कि संभालना, मुझे भी उन्होंने ही संभाला है। जिससे भी बहुत कम इनकी एज है अभी और इनकी बेटी भी बहुत छोटी, फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको लगता है इनको आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? लाइफ में तो आगे बढ़ना चाहिए इनको, काफी इनको समझाते हैं, लेकिन ये सोचते रहते हैं कि मैं तो कहीं जॉब में लगूं तभी आगे बढ़ूंगा। जी। तरु क्या कहेंगे आप इन सब चीजों को लेकर? एक्चुअली एज अ मूव ऑन करने वाली बात है तो मेरा अभी तक नहीं था और आगे भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक डॉटर है, उसको कैसे सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा नहीं मालूम। तो फादर मदर का यही है कि आप मूव ऑन करो, जब सामने वाला मूव ऑन कर सकता है तो आपको भी करना है। तो अभी काफी लाइफ है, बाकी बची है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी डॉटर है, वो कई बार बोल देती है फादर फादर। अब फादर तो वो मेरे लिए बहुत एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं बोल सकती, इसका आंसर नहीं मेरे पास। मतलब मेरे फादर मदर सुटेबल मैच मिलेगा तो ही लेंगे, क्योंकि अभी एक बार में मैं अभी सेट नहीं हूं कि मूव ऑन करूं, क्योंकि अभी एक बार में वो परेशान हो गए, मतलब हमने खोज भी नहीं करी उन लोगों के बारे में जी, तो काफी परेशान हो गए, इसलिए हमने अभी सोच ये बोल लीजिए कि पेंटिंग भी मेरा एक होता है ना कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, मेरी पेंटिंग में चीज दिखाई देती है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक होता है ना कि आप पेंटिंग से प्यार करने लगे हो, कलर से प्यार करने लगे हो, तो मेरे साथ वही है। अब अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना है, तो मैंने पेंटिंग नो डाउट प्रोफेशनली है कि हाँ ठीक है कोई बायर आएंगे तो आपकी पेंटिंग ले जाएंगे, लेकिन मेरा ये है कि नहीं, मुझे ऐसा ग्राफिक में तो जाना ही है, लेकिन साइड बाय साइड मेरी पेंटिंग चलती रहेगी, जो एक अर्निंग का बोल सकते हैं आप कि डॉटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी। फादर मदर है वो मुझे भी मालूम है, जो मुझे संभाल रहे हैं, मेरी डॉटर को संभाल रहे हैं, इतनी सिचुएशन में भी वो स्टैंड कर रहे हैं मेरे लिए, हमारे साथ हैं। तो बस डॉटर के लिए सारा वो लव गिफ्ट है, तो डॉटर को तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी डॉटर है और पैशन है ही पेंटिंग। बिल्कुल अंकल, इनके इनके हॉबीज के बारे में मुझे बताइए, इनके और क्या इंटरेस्ट रहे? पेंटिंग तो ये करती है, बाकी इनकी पसंद नापसंद क्या है? इनका खाना बनाने में इंटरेस्ट काफी है, हर प्रकार के डिश वगैरह बना लेती हैं, और पेंटिंग है ही इनकी जी, और डांस में इनका इंटरेस्ट है डांस करने का जी। कभी फ्री टाइम जब होता है आप लोगों का सब लोग एक साथ, तो वो आप लोग किस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हैं? जब भी आप सबको एक साथ फ्री टाइम मिलता है, कहीं बैठना घूमना, किस तरह से आप लोग स्पेंड करते हैं फ्री टाइम? तो जब भी फ्री होते हैं तो घूमने के लिए निकल जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं,
जब भी मौसम बढ़िया होता है पिकनिक पे जा करके एंजॉय करते हैं जी। अंकल जिस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया, अपनी डॉटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक तरह से बात करते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो आज भी समाज में स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप ये तीन डॉटर्स हैं, आपने तीनों को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। मैं चाह रही हूँ हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो भी इस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ सके, कुछ करें। हम तो दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि बेटी जो है बिल्कुल देवी का रूप होती है, बेटी आगे बढ़े उन्नति करें, बेटों से ज्यादा बेटियां रहती हैं जी, जो आए दिन ही आते रहते हैं बेटियों का संग ये हो रहा है वो हो रहा है, सब अत्याचार हो रहा है बेटियों के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। बेटी जो है देश का भविष्य है, उज्जवल जी। तरु आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, चलते चलते मैं चाहूंगी आपकी तरफ से जो भी आप मैसेज देना चाहे वो प्लीज जरूर दें। अपने फील्ड से रिलेटेड जैसे जिसको जो शौक होता है उसी में कैरियर बनाए, ऐसा नहीं है कि आप दूसरा सब्जेक्ट चूज कर ले आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें अपना कैरियर बनाए, और लाइफ है अप एंड डाउन आते हैं लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगी मूव ऑन करना चाहिए जी। जब सामने वाला मूव ऑन कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जैसे बोला ना कि करियर में जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी में करियर बनाओ, उसी से रिलेटेड मैं अंकल आपसे पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बेटे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तरु को लेके आपने क्या सोचा था, ये अपनी चॉइस से ग्राफिक्स में गई या आप लोगों का भी था कि हाँ ठीक है जो ये करना चाहती है वही करें? नहीं, इनका शुरू से बीए करने के बाद ग्राफिक डिजाइन का पॉलिटेक्निक में कोर्स किया था इन्होंने, हाँ जी, और कॉमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा भी ले लिया इन्होंने, तो इन्होंने ये था मैं किसी तरह आगे बढ़ूं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में ही आगे बढ़ूं जी। फिर इनका पेंटिंग में रुझान ज्यादा हो गया, पेंटिंग में और डांस के अंदर जी। तरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप आए पत्रिका स्टूडियो, इतना टाइम दिया, और तरु मैं चाह रही हूँ इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें, जिस तरह की आपकी एग्जीबिशन लग रही है लोग पसंद कर रहे हैं, इसी तरह से आप और भी ढेर सारी आपकी एग्जीबिशन लगे, ढेर सारे अवार्ड्स आपके पास मिले, और जो भी अपनी लाइफ में आप हासिल करना चाहती हैं वो आपको जरूर मिले। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो शी लीड फैमिली शो में ये थी हमारे साथ तरु सक्सेना, उनके फादर और उनकी डॉटर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।